हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दिशा बिष्ट गौड़ और आप देख रहे हैं jagranjosh.com। और इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और क्या क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और उनके सही जवाब क्या होंगे, उनके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो के एंड में एक सवाल आपको देंगे जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की विमेंस क्रिकेट टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शन है मोहम्मद कैफ, सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, अंजुम चोपड़ा। इसका सही उत्तर है सानिया मिर्जा। भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम ने पहली महिला प्रीमियर लीग में मेंटर बनाया है। सानिया मिर्जा ने पिछले महीने ऑस्ट्रेलियन ओपन में अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम खेला था। 6 ग्रैंड स्लैम और 43 WTA टाइटल जीत चुकी सानिया मिर्जा ने कहा कि RCB महिला टीम में मेंटर के रूप में शामिल होने मेरे लिए खुशी की बात है। गौरतलब है कि पहला महिला प्रीमियर लीग 4 मार्च से मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियन के बीच एक ब्लॉकबस्टर मुकाबले के साथ शुरू होगा। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? इसके ऑप्शन है फिजी, नेपाल, मॉरिशियस और USA। इसका सही उत्तर है फिजी। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन फिजी में किया जा रहा है। फिजी के राष्ट्रपति विलियम और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने फिजी के नादी में विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसका आयोजन देनाराव आइलैंड कन्वेंशन सेंटर नांदी फिजी में 15 से 17 फरवरी के बीच किया जा रहा है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन के लिए विदेश मंत्रालय नोडल मंत्रालय के तौर पर कार्य कर रहा है। इस बार के सम्मेलन का मुख्य विषय हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक है। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन नागपुर में 10 से 12 जनवरी 1975 में किया गया था। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? इसके ऑप्शन है शेख हसीना, शहाबुद्दीन अहमद, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, AKM नूरुल इस्लाम। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बांग्लादेश में मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू को निर्विरोध देश का 22वां राष्ट्रपति चुना गया। 74 वर्षीय चुप्पू राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। चुप्पू का जन्म 10 दिसंबर 1949 को तत्कालीन पूर्वी बंगाल डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान के पबना जिले में हुआ था। चुप्पू बांग्लादेश के 1971 के मुक्ति संग्राम में भी हिस्सा ले चुके हैं। बांग्लादेश के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति रहने वाले अब्दुल हामिद का कार्यकाल 23 अप्रैल को समाप्त होगा। एयर इंडिया ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग के साथ कितने विमान खरीदने के लिए एक समझौता किया है? इसका ऑप्शन है 250, 190, 220 और 100। इसका सही उत्तर है 220। एयर इंडिया ने अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग के साथ विमान खरीद की एक लैंडमार्क डील की है। यह डील 34 बिलियन की है। इस डील के तहत 20 बोइंग 787S और 10 बोइंग 777-9S वाई बॉडी एयरक्राफ्ट और 190 बोइंग 737 MAX सिंगल आइजल एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी गई है। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनी है। इसकी स्थापना विलियम ई बोइंग ने की थी। इस डील से पहले एयर इंडिया ने फ्रांस की एयरबेस से 250 विमान की डील की थी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? इसके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और हिमाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक 22 से 25 फरवरी तक मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित की जाएगी। इस बैठक का दृष्टिकोण सांस्कृतिक धरोहरों और सेवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना है। संस्कृति मंत्रालय ने सचिव गोविंद मोहन ने कहा कि संस्कृति कार्य समूह विभिन्न विषयों पर 4 बैठकों का आयोजन करेगा। संस्कृति और रचनात्मक उद्योग वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.1% और सभी वैश्विक रोजगार में 6.2% का योगदान देते हैं। भारतीय सेना में शामिल स्वार्म ड्रोन सिस्टम के निर्माण किस स्टार्टअप कंपनी ने किया है? सागर डिफेंस, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज और पारस एयरस्पेस। इसका सही उत्तर है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति शुरू कर दी है। इनका उपयोग हाई एल्टीट्यूड एरिया में निगरानी के लिए किया जाएगा। 100 स्वार्म ड्रोन सिस्टम दुश्मन के इलाके में कम से कम 50 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसकी खरीद का आदेश आपातकाल स्थिति के तहत किया गया था। भारतीय वायुसेना भी निकट भविष्य में ऑपरेशनल स्वार्मिंग
UAS को भी शामिल करेगी। अब इस वीडियो में आपको उस सवाल का सही उत्तर बताते हैं जो हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। तो वो सवाल था कि भारत के किस IIT के छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में गोल्ड मेडल जीता है। इसके ऑप्शन थे IIT वाराणसी, IIT इंदौर, IIT मुंबई और IIT दिल्ली। इसका सही उत्तर था IIT इंदौर। अब वीडियो के आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। वो सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके ऑप्शन है सिंगापुर, मलेशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर अब तक आपने जागरण जोश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप जागरण जोश को जरूर सब्सक्राइब करें।